नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और तस्वीरें आपको सीधी रोहतक की सुनारिया जेल के बाहर से दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये वो काफिला है जिसमें कड़ी सुरक्षा के साथ डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जेल से निकाला गया है। और आपको बता दें कि शर्तों के तहत गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो छुट्टी मिली है रोहतक की सुनारिया जेल से। और ये वो काफिला है जिसके जरिए राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम ले जाया जा रहा है। जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार राम रहीम को 21 के 21 दिन की अपनी छुट्टी अपने गुरुग्राम स्थित जो फार्म हाउस है वहीं पर बितानी होगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से निकाला गया है। सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। चुनावी माहौल बनते ही 5 राज्यों में चुनाव है और हरियाणा पंजाब की अगर हम बात करें तो हरियाणा और पंजाब में राम रहीम का एक अपना ही हम कह सकते हैं कि वर्चस्व रहा है। काफ़ी संख्या में उनके अनुयायी हरियाणा और पंजाब में हैं। और अब जब पंजाब के चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गए हैं, ऐसे में राम रहीम का जेल से बाहर निकलना कहीं तरह से राजनीतिक मायने भी इसके निकाले जाने लगे हैं। लेकिन फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काफिले की, जिस काफिले में राम रहीम को लेकर पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम के लिए रवाना हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला जिसमें पुलिस की गाड़ियां भी हैं और इन्हीं में से एक गाड़ी में राम रहीम को बिठाया गया है। उनके परिवार के लोग, राम रहीम की बेटी, दामाद व पारिवारिक अन्य सदस्य रोहतक की सुनारिया जेल पहुँचे थे। और लगभग 3:20 के बीच राम रहीम को जेल से बाहर निकाला गया है और यहां से सीधे गुरुग्राम उन्हें लेकर जाया जाएगा। और गुरुग्राम में ही वो 21 के 21 दिन उन्हें बिताने होंगे। इसी शर्त पर उन्हें जो फरलो है वो दी गई है। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और तस्वीरें आपको सीधी रोहतक की सुनारिया जेल के बाहर से दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये वो काफिला है जिसमें कड़ी सुरक्षा के साथ डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जेल से निकाला गया है। और आपको बता दें कि शर्तों के तहत गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो छुट्टी मिली है रोहतक की सुनारिया जेल से। और ये वो काफिला है जिसके जरिए राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम ले जाया जा रहा है। जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार राम रहीम को 21 के 21 दिन की अपनी छुट्टी अपने गुरुग्राम स्थित जो फार्म हाउस है वहीं पर बितानी होगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से निकाला गया है। सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। चुनावी माहौल बनते ही 5 राज्यों में चुनाव है और हरियाणा पंजाब की अगर हम बात करें तो हरियाणा और पंजाब में राम रहीम का एक अपना ही हम कह सकते हैं कि वर्चस्व रहा है। काफ़ी संख्या में उनके अनुयायी हरियाणा और पंजाब में हैं। और अब जब पंजाब के चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गए हैं, ऐसे में राम रहीम का जेल से बाहर निकलना कहीं तरह से राजनीतिक मायने भी इसके निकाले जाने लगे हैं। लेकिन फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काफिले की, जिस काफिले में राम रहीम को लेकर पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम के लिए रवाना हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला जिसमें पुलिस की गाड़ियां भी हैं और इन्हीं में से एक गाड़ी में राम रहीम को बिठाया गया है। उनके परिवार के लोग, राम रहीम की बेटी, दामाद व पारिवारिक अन्य सदस्य रोहतक की सुनारिया जेल पहुँचे थे। और लगभग 3:20 के बीच राम रहीम को जेल से बाहर निकाला गया है और यहां से सीधे गुरुग्राम उन्हें लेकर जाया जाएगा। और गुरुग्राम में ही वो 21 के 21 दिन उन्हें बिताने होंगे। इसी शर्त पर उन्हें जो फरलो है वो दी गई है। Okay.
नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और तस्वीरें आपको सीधी रोहतक की सुनारिया जेल के बाहर से दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये वो काफिला है जिसमें कड़ी सुरक्षा के साथ डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जेल से निकाला गया है। और आपको बता दें कि शर्तों के तहत गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो छुट्टी मिली है रोहतक की सुनारिया जेल से। और ये वो काफिला है जिसके जरिए राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम ले जाया जा रहा है। जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार राम रहीम को 21 के 21 दिन की अपनी छुट्टी अपने गुरुग्राम स्थित जो फार्म हाउस है वहीं पर बितानी होगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से निकाला गया है। सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। चुनावी माहौल बनते ही 5 राज्यों में चुनाव है और हरियाणा पंजाब की अगर बात करें तो हरियाणा और पंजाब में राम रहीम का एक अपना ही हम कह सकते हैं कि वर्चस्व रहा है। काफ़ी संख्या में उनके अनुयायी हरियाणा और पंजाब में हैं। और अब जब पंजाब के चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गए हैं, ऐसे में राम रहीम का जेल से बाहर निकलना कहीं तरह से राजनीतिक मायने भी इसके निकाले जाने लगे हैं। लेकिन फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काफिले की, जिस काफिले में राम रहीम को लेकर पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम के लिए रवाना हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला जिसमें पुलिस की गाड़ियां भी हैं और इनमें से एक गाड़ी में राम रहीम को बिठाया गया है। उनके परिवार के लोग, राम रहीम की बेटी, दामाद व परिवारिक अन्य सदस्य रोहतक की सुनारिया जेल पहुँचे थे और लगभग 3 बजे से लेकर 3:20 के बीच राम रहीम को जेल से बाहर निकाला गया है और यहाँ से सीधे गुरुग्राम उन्हें लेकर जाया जाएगा। और गुरुग्राम में ही वो 21 के 21 दिन उन्हें बिताने होंगे। इसी शर्त पर उन्हें जो फरलो है वो दी गई है। नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और तस्वीरें आपको सीधी रोहतक की सुनारिया जेल के बाहर से दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये वो काफिला है जिसमें कड़ी सुरक्षा के साथ डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जेल से निकाला गया है। और आपको बता दें कि शर्तों के तहत गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो छुट्टी मिली है रोहतक की सुनारिया जेल से। और ये वो काफिला है जिसके जरिए राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम ले जाया जा रहा है। जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार राम रहीम को 21 के 21 दिन की अपनी छुट्टी अपने गुरुग्राम स्थित जो फार्म हाउस है वहीं पर बितानी होगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से निकाला गया है। सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। चुनावी माहौल बनते ही 5 राज्यों में चुनाव है और हरियाणा पंजाब की अगर बात करें तो हरियाणा और पंजाब में राम रहीम का एक अपना ही हम कह सकते हैं कि वर्चस्व रहा है। काफ़ी संख्या में उनके अनुयायी हरियाणा और पंजाब में हैं। और अब जब पंजाब के चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गए हैं, ऐसे में राम रहीम का जेल से बाहर निकलना कहीं तरह से राजनीतिक मायने भी इसके निकाले जाने लगे हैं। लेकिन फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काफिले की, जिस काफिले में राम रहीम को लेकर पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम के लिए रवाना हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला जिसमें पुलिस की गाड़ियां भी हैं और इनमें से एक गाड़ी में राम रहीम को बिठाया गया है। उनके परिवार के लोग, राम रहीम की बेटी, दामाद व परिवारिक अन्य सदस्य रोहतक की सुनारिया जेल पहुँचे थे और लगभग 3 बजे से लेकर 3:20 के बीच राम रहीम को जेल से बाहर निकाला गया है और यहां से सीधे गुरुग्राम उन्हें लेकर जाया जाएगा। और गुरुग्राम में ही वो 21 के 21 दिन उन्हें बिताने होंगे। इसी शर्त पर उन्हें जो फरलो है वो दी गई है।
नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और तस्वीरें आपको सीधी रोहतक की सुनारिया जेल के बाहर से दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये वो काफिला है जिसमें कड़ी सुरक्षा के साथ डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जेल से निकाला गया है। और आपको बता दें कि शर्तों के तहत गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो छुट्टी मिली है रोहतक की सुनारिया जेल से। और ये वो काफिला है जिसके जरिए राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम ले जाया जा रहा है। जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार राम रहीम को 21 के 21 दिन की अपनी छुट्टी अपने गुरुग्राम स्थित जो फार्म हाउस है वहीं पर बितानी होगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से निकाला गया है। सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। चुनावी माहौल बनते ही 5 राज्यों में चुनाव है और हरियाणा पंजाब की अगर बात करें तो हरियाणा और पंजाब में राम रहीम का एक अपना ही हम कह सकते हैं कि वर्चस्व रहा है। काफी संख्या में उनके अनुयायी हरियाणा और पंजाब में है। और अब जब पंजाब के चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गए हैं ऐसे में राम रहीम का जेल से बाहर निकलना कई तरह से राजनीतिक मायने भी इसके निकाले जाने लगे हैं। लेकिन फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काफिले की, जिस काफिले में राम रहीम को लेकर पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम के लिए रवाना हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला जिसमें पुलिस की गाड़ियां भी हैं और इनमें से एक गाड़ी में राम रहीम को बिठाया गया है। उनके परिवार के लोग, राम रहीम की बेटी, दामाद व पारिवारिक अन्य सदस्य रोहतक की सुनारिया जेल पहुँचे थे और लगभग 3:20 के बीच राम रहीम को जेल से बाहर निकाला गया है और यहां से सीधे गुरुग्राम उन्हें लेकर जाया जाएगा। और गुरुग्राम में ही वो 21 के 21 दिन उन्हें बिताने होंगे। इसी शर्त पर उन्हें जो फरलो है वो दी गई है। नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और तस्वीरें आपको सीधी रोहतक की सुनारिया जेल के बाहर से दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये वो काफिला है जिसमें कड़ी सुरक्षा के साथ डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जेल से निकाला गया है। और आपको बता दें कि शर्तों के तहत गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो छुट्टी मिली है रोहतक की सुनारिया जेल से। और ये वो काफिला है जिसके जरिए राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम ले जाया जा रहा है। जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार राम रहीम को 21 के 21 दिन की अपनी छुट्टी अपने गुरुग्राम स्थित जो फार्म हाउस है वहीं पर बितानी होगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से निकाला गया है। सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। चुनावी माहौल बनते ही 5 राज्यों में चुनाव है और हरियाणा पंजाब की अगर बात करें तो हरियाणा और पंजाब में राम रहीम का एक अपना ही हम कह सकते हैं कि वर्चस्व रहा है। काफी संख्या में उनके अनुयायी हरियाणा और पंजाब में है। और अब जब पंजाब के चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गए हैं ऐसे में राम रहीम का जेल से बाहर निकलना कई तरह से राजनीतिक मायने भी इसके निकाले जाने लगे हैं। लेकिन फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काफिले की, जिस काफिले में राम रहीम को लेकर पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम के लिए रवाना हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला जिसमें पुलिस की गाड़ियां भी हैं और इनमें से एक गाड़ी में राम रहीम को बिठाया गया है। उनके परिवार के लोग, राम रहीम की बेटी, दामाद व पारिवारिक अन्य सदस्य रोहतक की सुनारिया जेल पहुँचे थे और लगभग 3:20 के बीच राम रहीम को जेल से बाहर निकाला गया है और यहां से सीधे गुरुग्राम उन्हें लेकर जाया जाएगा। और गुरुग्राम में ही वो 21 के 21 दिन उन्हें बिताने होंगे। इसी शर्त पर उन्हें जो फरलो है वो दी गई है। Okay.
नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और तस्वीरें आपको सीधी रोहतक की सुनारिया जेल के बाहर से दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये वो काफिला है जिसमें कड़ी सुरक्षा के साथ डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जेल से निकाला गया है। और आपको बता दें कि शर्तों के तहत गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो छुट्टी मिली है रोहतक की सुनारिया जेल से। और ये वो काफिला है जिसके जरिए राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम ले जाया जा रहा है। जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार राम रहीम को 21 के 21 दिन की अपनी छुट्टी अपने गुरुग्राम स्थित जो फार्म हाउस है वहीं पर बितानी होगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से निकाला गया है। सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। चुनावी माहौल बनते ही 5 राज्यों में चुनाव है और हरियाणा पंजाब की अगर बात करें तो हरियाणा और पंजाब में राम रहीम का एक अपना ही हम कह सकते हैं कि वर्चस्व रहा है। काफी संख्या में उनके अनुयायी हरियाणा और पंजाब में है। और अब जब पंजाब के चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गए हैं ऐसे में राम रहीम का जेल से बाहर निकलना कहीं तरह से राजनीतिक मायने भी इसके निकाले जाने लगे हैं। लेकिन फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काफिले की, जिस काफिले में राम रहीम को लेकर पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम के लिए रवाना हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला जिसमें पुलिस की गाड़ियां भी हैं और इनमें से एक गाड़ी में राम रहीम को बिठाया गया है। उनके परिवार के लोग, राम रहीम की बेटी, दामाद व परिवारिक अन्य सदस्य रोहतक की सुनारिया जेल पहुँचे थे और लगभग 3:20 के बीच राम रहीम को जेल से बाहर निकाला गया है और यहां से सीधे गुरुग्राम उन्हें लेकर जाया जाएगा। और गुरुग्राम में ही वो 21 के 21 दिन उन्हें बिताने होंगे, इसी शर्त पर उन्हें जो फरलो है वो दी गई है। नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और तस्वीरें आपको सीधी रोहतक की सुनारिया जेल के बाहर से दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये वो काफिला है जिसमें कड़ी सुरक्षा के साथ डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जेल से निकाला गया है। और आपको बता दें कि शर्तों के तहत गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो छुट्टी मिली है रोहतक की सुनारिया जेल से। और ये वो काफिला है जिसके जरिए राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम ले जाया जा रहा है। जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार राम रहीम को 21 के 21 दिन की अपनी छुट्टी अपने गुरुग्राम स्थित जो फार्म हाउस है वहीं पर बितानी होगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से निकाला गया है। सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। चुनावी माहौल बनते ही 5 राज्यों में चुनाव है और हरियाणा पंजाब की अगर बात करें तो हरियाणा और पंजाब में राम रहीम का एक अपना ही हम कह सकते हैं कि वर्चस्व रहा है। काफी संख्या में उनके अनुयायी हरियाणा और पंजाब में है। और अब जब पंजाब के चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गए हैं ऐसे में राम रहीम का जेल से बाहर निकलना कहीं तरह से राजनीतिक मायने भी इसके निकाले जाने लगे हैं। लेकिन फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काफिले की, जिस काफिले में राम रहीम को लेकर पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम के लिए रवाना हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला जिसमें पुलिस की गाड़ियां भी हैं और इनमें से एक गाड़ी में राम रहीम को बिठाया गया है। उनके परिवार के लोग, राम रहीम की बेटी, दामाद व परिवारिक अन्य सदस्य रोहतक की सुनारिया जेल पहुँचे थे और लगभग 3:20 के बीच राम रहीम को जेल से बाहर निकाला गया है और यहां से सीधे गुरुग्राम उन्हें लेकर जाया जाएगा। और गुरुग्राम में ही वो 21 के 21 दिन उन्हें बिताने होंगे, इसी शर्त पर उन्हें जो फरलो है वो दी गई है। Okay.
नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और तस्वीरें आपको सीधी रोहतक की सुनारिया जेल के बाहर से दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये वो काफिला है जिसमें कड़ी सुरक्षा के साथ डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जेल से निकाला गया है। और आपको बता दें कि शर्तों के तहत गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो छुट्टी मिली है रोहतक की सुनारिया जेल से। और ये वो काफिला है जिसके जरिए राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम ले जाया जा रहा है। जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार राम रहीम को 21 के 21 दिन की अपनी छुट्टी अपने गुरुग्राम स्थित जो फार्म हाउस है वहीं पर बितानी होगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से निकाला गया है। सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। चुनावी माहौल बनते ही 5 राज्यों में चुनाव है और हरियाणा पंजाब की अगर बात करें तो हरियाणा और पंजाब में राम रहीम का एक अपना ही हम कह सकते हैं कि वर्चस्व रहा है। काफ़ी संख्या में उनके अनुयायी हरियाणा और पंजाब में है। और अब जब पंजाब के चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गए हैं ऐसे में राम रहीम का जेल से बाहर निकलना कई तरह से राजनीतिक मायने भी इसके निकाले जाने लगे हैं। लेकिन फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काफिले की, जिस काफिले में राम रहीम को लेकर पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम के लिए रवाना हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला जिसमें पुलिस की गाड़ियां भी हैं और इनमें से एक गाड़ी में राम रहीम को बिठाया गया है। उनके परिवार के लोग, राम रहीम की बेटी, दामाद व पारिवारिक अन्य सदस्य रोहतक की सुनारिया जेल पहुँचे थे और लगभग 3:20 के बीच राम रहीम को जेल से बाहर निकाला गया है और यहां से सीधे गुरुग्राम उन्हें लेकर जाया जाएगा। और गुरुग्राम में ही वो 21 के 21 दिन उन्हें बिताने होंगे, इसी शर्त पर उन्हें जो फरलो है वो दी गई है। नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और तस्वीरें आपको सीधी रोहतक की सुनारिया जेल के बाहर से दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये वो काफिला है जिसमें कड़ी सुरक्षा के साथ डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जेल से निकाला गया है। और आपको बता दें कि शर्तों के तहत गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो छुट्टी मिली है रोहतक की सुनारिया जेल से। और ये वो काफिला है जिसके जरिए राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम ले जाया जा रहा है। जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार राम रहीम को 21 के 21 दिन की अपनी छुट्टी अपने गुरुग्राम स्थित जो फार्म हाउस है वहीं पर बितानी होगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से निकाला गया है। सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। चुनावी माहौल बनते ही 5 राज्यों में चुनाव है और हरियाणा पंजाब की अगर बात करें तो हरियाणा और पंजाब में राम रहीम का एक अपना ही हम कह सकते हैं कि वर्चस्व रहा है। काफ़ी संख्या में उनके अनुयायी हरियाणा और पंजाब में है। और अब जब पंजाब के चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गए हैं ऐसे में राम रहीम का जेल से बाहर निकलना कई तरह से राजनीतिक मायने भी इसके निकाले जाने लगे हैं। लेकिन फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काफिले की, जिस काफिले में राम रहीम को लेकर पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम के लिए रवाना हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला जिसमें पुलिस की गाड़ियां भी हैं और इनमें से एक गाड़ी में राम रहीम को बिठाया गया है। उनके परिवार के लोग, राम रहीम की बेटी, दामाद व पारिवारिक अन्य सदस्य रोहतक की सुनारिया जेल पहुँचे थे और लगभग 3:20 के बीच राम रहीम को जेल से बाहर निकाला गया है और यहां से सीधे गुरुग्राम उन्हें लेकर जाया जाएगा। और गुरुग्राम में ही वो 21 के 21 दिन उन्हें बिताने होंगे, इसी शर्त पर उन्हें जो फरलो है वो दी गई है। Okay.
नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और तस्वीरें आपको सीधी रोहतक की सुनारिया जेल के बाहर से दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये वो काफिला है जिसमें कड़ी सुरक्षा के साथ डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जेल से निकाला गया है। और आपको बता दें कि शर्तों के तहत गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो छुट्टी मिली है रोहतक की सुनारिया जेल से। और ये वो काफिला है जिसके जरिए राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम ले जाया जा रहा है। जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार राम रहीम को 21 के 21 दिन की अपनी छुट्टी अपने गुरुग्राम स्थित जो फार्म हाउस है वहीं पर बितानी होगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से निकाला गया है। सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। चुनावी माहौल बनते ही 5 राज्यों में चुनाव है और हरियाणा पंजाब की अगर हम बात करें तो हरियाणा और पंजाब में राम रहीम का एक अपना ही हम कह सकते हैं कि वर्चस्व रहा है। काफी संख्या में उनके अनुयायी हरियाणा और पंजाब में है और अब जब पंजाब के चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गए हैं ऐसे में राम रहीम का जेल से बाहर निकलना कहीं तरह से राजनीतिक मायने भी इसके निकाले जाने लगे हैं। लेकिन फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काफिले की, जिस काफिले में राम रहीम को लेकर पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम के लिए रवाना हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला जिसमें पुलिस की गाड़ियां भी हैं और इनमें से एक गाड़ी में राम रहीम को बिठाया गया है। उनके परिवार के लोग, राम रहीम की बेटी, दामाद व परिवारिक अन्य सदस्य रोहतक की सुनारिया जेल पहुंचे थे और लगभग 3:00 से लेकर 3:20 के बीच राम रहीम को जेल से बाहर निकाला गया है और यहाँ से सीधे रोहतक गुरुग्राम उन्हें लेकर जाया जाएगा और गुरुग्राम में ही वो 21 के 21 दिन उन्हें बिताने होंगे। इसी शर्त पर उन्हें जो फरलो है वो दी गई है। नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और तस्वीरें आपको सीधी रोहतक की सुनारिया जेल के बाहर से दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये वो काफिला है जिसमें कड़ी सुरक्षा के साथ डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जेल से निकाला गया है। और आपको बता दें कि शर्तों के तहत गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो छुट्टी मिली है रोहतक की सुनारिया जेल से। और ये वो काफिला है जिसके जरिए राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम ले जाया जा रहा है। जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार राम रहीम को 21 के 21 दिन की अपनी छुट्टी अपने गुरुग्राम स्थित जो फार्म हाउस है वहीं पर बितानी होगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से निकाला गया है। सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। चुनावी माहौल बनते ही 5 राज्यों में चुनाव है और हरियाणा पंजाब की अगर हम बात करें तो हरियाणा और पंजाब में राम रहीम का एक अपना ही हम कह सकते हैं कि वर्चस्व रहा है। काफी संख्या में उनके अनुयायी हरियाणा और पंजाब में है और अब जब पंजाब के चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गए हैं ऐसे में राम रहीम का जेल से बाहर निकलना कहीं तरह से राजनीतिक मायने भी इसके निकाले जाने लगे हैं। लेकिन फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काफिले की, जिस काफिले में राम रहीम को लेकर पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम के लिए रवाना हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला जिसमें पुलिस की गाड़ियां भी हैं और इनमें से एक गाड़ी में राम रहीम को बिठाया गया है। उनके परिवार के लोग, राम रहीम की बेटी, दामाद व परिवारिक अन्य सदस्य रोहतक की सुनारिया जेल पहुंचे थे और लगभग 3:00 से लेकर 3:20 के बीच राम रहीम को जेल से बाहर निकाला गया है और यहाँ से सीधे रोहतक गुरुग्राम उन्हें लेकर जाया जाएगा और गुरुग्राम में ही वो 21 के 21 दिन उन्हें बिताने होंगे। इसी शर्त पर उन्हें जो फरलो है वो दी गई है।
नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और तस्वीरें आपको सीधी रोहतक की सुनारिया जेल के बाहर से दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये वो काफिला है जिसमें कड़ी सुरक्षा के साथ डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जेल से निकाला गया है। और आपको बता दें कि शर्तों के तहत गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो छुट्टी मिली है रोहतक की सुनारिया जेल से। और ये वो काफिला है जिसके जरिए राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम ले जाया जा रहा है। जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार राम रहीम को 21 के 21 दिन की अपनी छुट्टी अपने गुरुग्राम स्थित जो फार्म हाउस है वहीं पर बितानी होगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से निकाला गया है। सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। चुनावी माहौल बनते ही 5 राज्यों में चुनाव है और हरियाणा पंजाब की अगर बात करें तो हरियाणा और पंजाब में राम रहीम का एक अपना ही हम कह सकते हैं कि वर्चस्व रहा है। काफ़ी संख्या में उनके अनुयायी हरियाणा और पंजाब में है। और अब जब पंजाब के चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गए हैं ऐसे में राम रहीम का जेल से बाहर निकलना कई तरह से राजनीतिक मायने भी इसके निकाले जाने लगे हैं। लेकिन फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काफिले की, जिस काफिले में राम रहीम को लेकर पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम के लिए रवाना हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला जिसमें पुलिस की गाड़ियां भी हैं और इनमें से एक गाड़ी में राम रहीम को बिठाया गया है। उनके परिवार के लोग, राम रहीम की बेटी, दामाद व परिवारिक अन्य सदस्य रोहतक की सुनारिया जेल पहुँचे थे और लगभग 3:00 से लेकर 3:20 के बीच राम रहीम को जेल से बाहर निकाला गया है और यहां से सीधे गुरुग्राम उन्हें लेकर जाया जाएगा। और गुरुग्राम में ही वो 21 के 21 दिन उन्हें बिताने होंगे। इसी शर्त पर उन्हें जो फरलो है वो दी गई है। नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और तस्वीरें आपको सीधी रोहतक की सुनारिया जेल के बाहर से दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये वो काफिला है जिसमें कड़ी सुरक्षा के साथ डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जेल से निकाला गया है। और आपको बता दें कि शर्तों के तहत गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो छुट्टी मिली है रोहतक की सुनारिया जेल से। और ये वो काफिला है जिसके जरिए राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम ले जाया जा रहा है। जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार राम रहीम को 21 के 21 दिन की अपनी छुट्टी अपने गुरुग्राम स्थित जो फार्म हाउस है वहीं पर बितानी होगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से निकाला गया है। सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। चुनावी माहौल बनते ही 5 राज्यों में चुनाव है और हरियाणा पंजाब की अगर बात करें तो हरियाणा और पंजाब में राम रहीम का एक अपना ही हम कह सकते हैं कि वर्चस्व रहा है। काफी संख्या में उनके अनुयायी हरियाणा और पंजाब में है। और अब जब पंजाब के चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गए हैं ऐसे में राम रहीम का जेल से बाहर निकलना कई तरह से राजनीतिक मायने भी इसके निकाले जाने लगे हैं। लेकिन फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काफिले की, जिस काफिले में राम रहीम को लेकर पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम के लिए रवाना हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला जिसमें पुलिस की गाड़ियां भी हैं और इनमें से एक गाड़ी में राम रहीम को बिठाया गया है। उनके परिवार के लोग, राम रहीम की बेटी, दामाद व परिवारिक अन्य सदस्य रोहतक की सुनारिया जेल पहुँचे थे और लगभग 3:00 से लेकर 3:20 के बीच राम रहीम को जेल से बाहर निकाला गया है। और यहां से सीधे गुरुग्राम उन्हें लेकर जाया जाएगा और गुरुग्राम में ही वो 21 के 21 दिन उन्हें बिताने होंगे। इसी शर्त पर उन्हें जो फरलो है वो दी गई है।
नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और तस्वीरें आपको सीधी रोहतक की सुनारिया जेल के बाहर से दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये वो काफिला है जिसमें कड़ी सुरक्षा के साथ डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जेल से निकाला गया है। और आपको बता दें कि शर्तों के तहत गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो छुट्टी मिली है रोहतक की सुनारिया जेल से। और ये वो काफिला है जिसके जरिए राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम ले जाया जा रहा है। जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार राम रहीम को 21 के 21 दिन की अपनी छुट्टी अपने गुरुग्राम स्थित जो फार्म हाउस है वहीं पर बितानी होगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से निकाला गया है। सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। चुनावी माहौल बनते ही 5 राज्यों में चुनाव है और हरियाणा पंजाब की अगर बात करें तो हरियाणा और पंजाब में राम रहीम का एक अपना ही हम कह सकते हैं कि वर्चस्व रहा है। काफी संख्या में उनके अनुयायी हरियाणा और पंजाब में हैं। और अब जब पंजाब के चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गए हैं, ऐसे में राम रहीम का जेल से बाहर निकलना कई तरह से राजनीतिक मायने भी इसके निकाले जाने लगे हैं। लेकिन फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काफिले की, जिस काफिले में राम रहीम को लेकर पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम के लिए रवाना हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला जिसमें पुलिस की गाड़ियां भी हैं और इनमें से एक गाड़ी में राम रहीम को बिठाया गया है। उनके परिवार के लोग, राम रहीम की बेटी, दामाद व पारिवारिक अन्य सदस्य रोहतक की सुनारिया जेल पहुंचे थे और लगभग 3 बजे से लेकर 3:20 के बीच राम रहीम को जेल से बाहर निकाला गया है और यहाँ से सीधे गुरुग्राम उन्हें लेकर जाया जाएगा। और गुरुग्राम में ही वो 21 के 21 दिन उन्हें बिताने होंगे। इसी शर्त पर उन्हें जो फरलो है वो दी गई है। नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और तस्वीरें आपको सीधी रोहतक की सुनारिया जेल के बाहर से दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये वो काफिला है जिसमें कड़ी सुरक्षा के साथ डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जेल से निकाला गया है। और आपको बता दें कि शर्तों के तहत गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो छुट्टी मिली है रोहतक की सुनारिया जेल से। और ये वो काफिला है जिसके जरिए राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम ले जाया जा रहा है। जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार राम रहीम को 21 के 21 दिन की अपनी छुट्टी अपने गुरुग्राम स्थित जो फार्म हाउस है वहीं पर बितानी होगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से निकाला गया है। सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। चुनावी माहौल बनते ही 5 राज्यों में चुनाव है और हरियाणा पंजाब की अगर बात करें तो हरियाणा और पंजाब में राम रहीम का एक अपना ही हम कह सकते हैं कि वर्चस्व रहा है। काफी संख्या में उनके अनुयायी हरियाणा और पंजाब में हैं। और अब जब पंजाब के चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गए हैं, ऐसे में राम रहीम का जेल से बाहर निकलना कई तरह से राजनीतिक मायने भी इसके निकाले जाने लगे हैं। लेकिन फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काफिले की, जिस काफिले में राम रहीम को लेकर पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम के लिए रवाना हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला जिसमें पुलिस की गाड़ियां भी हैं और इनमें से एक गाड़ी में राम रहीम को बिठाया गया है। उनके परिवार के लोग, राम रहीम की बेटी, दामाद व पारिवारिक अन्य सदस्य रोहतक की सुनारिया जेल पहुंचे थे और लगभग 3 बजे से लेकर 3:20 के बीच राम रहीम को जेल से बाहर निकाला गया है और यहाँ से सीधे गुरुग्राम उन्हें लेकर जाया जाएगा। और गुरुग्राम में ही वो 21 के 21 दिन उन्हें बिताने होंगे। इसी शर्त पर उन्हें जो फरलो है वो दी गई है। Okay.
नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और तस्वीरें आपको सीधी रोहतक की सुनारिया जेल के बाहर से दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये वो काफिला है जिसमें कड़ी सुरक्षा के साथ डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जेल से निकाला गया है। और आपको बता दें कि शर्तों के तहत गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो छुट्टी मिली है रोहतक की सुनारिया जेल से। और ये वो काफिला है जिसके जरिए राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम ले जाया जा रहा है। जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार राम रहीम को 21 के 21 दिन की अपनी छुट्टी अपने गुरुग्राम स्थित जो फार्म हाउस है वहीं पर बितानी होगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से निकाला गया है। सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। चुनावी माहौल बनते ही 5 राज्यों में चुनाव है और हरियाणा पंजाब की अगर बात करें तो हरियाणा और पंजाब में राम रहीम का एक अपना ही हम कह सकते हैं कि वर्चस्व रहा है। काफ़ी संख्या में उनके अनुयायी हरियाणा और पंजाब में हैं। और अब जब पंजाब के चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गए हैं ऐसे में राम रहीम का जेल से बाहर निकलना कहीं तरह से राजनीतिक मायने भी इसके निकाले जाने लगे हैं। लेकिन फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काफिले की, जिस काफिले में राम रहीम को लेकर पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम के लिए रवाना हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला जिसमें पुलिस की गाड़ियां भी हैं और इनमें से एक गाड़ी में राम रहीम को बिठाया गया है। उनके परिवार के लोग, राम रहीम की बेटी, दामाद व परिवारिक अन्य सदस्य रोहतक की सुनारिया जेल पहुँचे थे और लगभग 3 बजे से लेकर 3:20 के बीच राम रहीम को जेल से बाहर निकाला गया है और यहाँ से सीधे गुरुग्राम उन्हें लेकर जाया जाएगा। और गुरुग्राम में ही वो 21 के 21 दिन उन्हें बिताने होंगे। इसी शर्त पर उन्हें जो फरलो है वो दी गई है। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और तस्वीरें आपको सीधी रोहतक की सुनारिया जेल के बाहर से दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये वो काफिला है जिसमें कड़ी सुरक्षा के साथ डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जेल से निकाला गया है। और आपको बता दें कि शर्तों के तहत गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो छुट्टी मिली है रोहतक की सुनारिया जेल से। और ये वो काफिला है जिसके जरिए राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम ले जाया जा रहा है। जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार राम रहीम को 21 के 21 दिन की अपनी छुट्टी अपने गुरुग्राम स्थित जो फार्म हाउस है वहीं पर बितानी होगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से निकाला गया है। सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। चुनावी माहौल बनते ही 5 राज्यों में चुनाव है और हरियाणा पंजाब की अगर बात करें तो हरियाणा और पंजाब में राम रहीम का एक अपना ही हम कह सकते हैं कि वर्चस्व रहा है। काफ़ी संख्या में उनके अनुयायी हरियाणा और पंजाब में हैं। और अब जब पंजाब के चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गए हैं ऐसे में राम रहीम का जेल से बाहर निकलना कहीं तरह से राजनीतिक मायने भी इसके निकाले जाने लगे हैं। लेकिन फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काफिले की, जिस काफिले में राम रहीम को लेकर पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम के लिए रवाना हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला जिसमें पुलिस की गाड़ियां भी हैं और इनमें से एक गाड़ी में राम रहीम को बिठाया गया है। उनके परिवार के लोग, राम रहीम की बेटी, दामाद व परिवारिक अन्य सदस्य रोहतक की सुनारिया जेल पहुँचे थे और लगभग 3 बजे से लेकर 3:20 के बीच राम रहीम को जेल से बाहर निकाला गया है और यहां से सीधे गुरुग्राम उन्हें लेकर जाया जाएगा। और गुरुग्राम में ही वो 21 के 21 दिन उन्हें बिताने होंगे। इसी शर्त पर उन्हें जो फरलो है वो दी गई है।
नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और तस्वीरें आपको सीधी रोहतक की सुनारिया जेल के बाहर से दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये वो काफिला है जिसमें कड़ी सुरक्षा के साथ डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जेल से निकाला गया है। और आपको बता दें कि शर्तों के तहत गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो छुट्टी मिली है रोहतक की सुनारिया जेल से। और ये वो काफिला है जिसके जरिए राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम ले जाया जा रहा है। जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार राम रहीम को 21 के 21 दिन की अपनी छुट्टी अपने गुरुग्राम स्थित जो फार्म हाउस है वहीं पर बितानी होगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से निकाला गया है। सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। चुनावी माहौल बनते ही 5 राज्यों में चुनाव है और हरियाणा पंजाब की अगर बात करें तो हरियाणा और पंजाब में राम रहीम का एक अपना ही हम कह सकते हैं कि वर्चस्व रहा है। काफी संख्या में उनके अनुयायी हरियाणा और पंजाब में है। और अब जब पंजाब के चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गए हैं ऐसे में राम रहीम का जेल से बाहर निकलना कई तरह से राजनीतिक मायने भी इसके निकाले जाने लगे हैं। लेकिन फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काफिले की, जिस काफिले में राम रहीम को लेकर पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम के लिए रवाना हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला जिसमें पुलिस की गाड़ियां भी हैं और इनमें से एक गाड़ी में राम रहीम को बिठाया गया है। उनके परिवार के लोग, राम रहीम की बेटी, दामाद व परिवारिक अन्य सदस्य रोहतक की सुनारिया जेल पहुँचे थे और लगभग 3:20 के बीच राम रहीम को जेल से बाहर निकाला गया है और यहाँ से सीधे गुरुग्राम उन्हें लेकर जाया जाएगा। और गुरुग्राम में ही वो 21 के 21 दिन उन्हें बिताने होंगे। इसी शर्त पर उन्हें जो फरलो है वो दी गई है। नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और तस्वीरें आपको सीधी रोहतक की सुनारिया जेल के बाहर से दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये वो काफिला है जिसमें कड़ी सुरक्षा के साथ डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जेल से निकाला गया है। और आपको बता दें कि शर्तों के तहत गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो छुट्टी मिली है रोहतक की सुनारिया जेल से। और ये वो काफिला है जिसके जरिए राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम ले जाया जा रहा है। जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार राम रहीम को 21 के 21 दिन की अपनी छुट्टी अपने गुरुग्राम स्थित जो फार्म हाउस है वहीं पर बितानी होगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से निकाला गया है। सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। चुनावी माहौल बनते ही 5 राज्यों में चुनाव है और हरियाणा पंजाब की अगर बात करें तो हरियाणा और पंजाब में राम रहीम का एक अपना ही हम कह सकते हैं कि वर्चस्व रहा है। काफी संख्या में उनके अनुयायी हरियाणा और पंजाब में है। और अब जब पंजाब के चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गए हैं ऐसे में राम रहीम का जेल से बाहर निकलना कई तरह से राजनीतिक मायने भी इसके निकाले जाने लगे हैं। लेकिन फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काफिले की, जिस काफिले में राम रहीम को लेकर पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम के लिए रवाना हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला जिसमें पुलिस की गाड़ियां भी हैं और इनमें से एक गाड़ी में राम रहीम को बिठाया गया है। उनके परिवार के लोग, राम रहीम की बेटी, दामाद व परिवारिक अन्य सदस्य रोहतक की सुनारिया जेल पहुँचे थे और लगभग 3:20 के बीच राम रहीम को जेल से बाहर निकाला गया है और यहाँ से सीधे गुरुग्राम उन्हें लेकर जाया जाएगा। और गुरुग्राम में ही वो 21 के 21 दिन उन्हें बिताने होंगे। इसी शर्त पर उन्हें जो फरलो है वो दी गई है। Okay.
नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और तस्वीरें आपको सीधी रोहतक की सुनारिया जेल के बाहर से दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये वो काफिला है जिसमें कड़ी सुरक्षा के साथ डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जेल से निकाला गया है। और आपको बता दें कि शर्तों के तहत गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो छुट्टी मिली है रोहतक की सुनारिया जेल से। और ये वो काफिला है जिसके जरिए राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम ले जाया जा रहा है। जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार राम रहीम को 21 के 21 दिन की अपनी छुट्टी अपने गुरुग्राम स्थित जो फार्म हाउस है वहीं पर बितानी होगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से निकाला गया है। सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। चुनावी माहौल बनते ही 5 राज्यों में चुनाव है और हरियाणा पंजाब की अगर बात करें तो हरियाणा और पंजाब में राम रहीम का एक अपना ही हम कह सकते हैं कि वर्चस्व रहा है। काफी संख्या में उनके अनुयायी हरियाणा और पंजाब में है और अब जब पंजाब के चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गए हैं ऐसे में राम रहीम का जेल से बाहर निकलना कई तरह से राजनीतिक मायने भी इसके निकाले जाने लगे हैं। लेकिन फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काफिले की, जिस काफिले में राम रहीम को लेकर पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम के लिए रवाना हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला जिसमें पुलिस की गाड़ियां भी हैं और इनमें से एक गाड़ी में राम रहीम को बिठाया गया है। उनके परिवार के लोग, राम रहीम की बेटी, दामाद व परिवारिक अन्य सदस्य रोहतक की सुनारिया जेल पहुँचे थे और लगभग 3:00 से लेकर 3:20 के बीच राम रहीम को जेल से बाहर निकाला गया है और यहाँ से सीधे रोहतक गुरुग्राम उन्हें लेकर जाया जाएगा और गुरुग्राम में ही वो 21 के 21 दिन उन्हें बिताने होंगे। इसी शर्त पर उन्हें जो फरलो है वो दी गई है। नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और तस्वीरें आपको सीधी रोहतक की सुनारिया जेल के बाहर से दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये वो काफिला है जिसमें कड़ी सुरक्षा के साथ डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जेल से निकाला गया है। और आपको बता दें कि शर्तों के तहत गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो छुट्टी मिली है रोहतक की सुनारिया जेल से। और ये वो काफिला है जिसके जरिए राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम ले जाया जा रहा है। जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार राम रहीम को 21 के 21 दिन की अपनी छुट्टी अपने गुरुग्राम स्थित जो फार्म हाउस है वहीं पर बितानी होगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से निकाला गया है। सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। चुनावी माहौल बनते ही 5 राज्यों में चुनाव है और हरियाणा पंजाब की अगर बात करें तो हरियाणा और पंजाब में राम रहीम का एक अपना ही हम कह सकते हैं कि वर्चस्व रहा है। काफी संख्या में उनके अनुयायी हरियाणा और पंजाब में है और अब जब पंजाब के चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गए हैं ऐसे में राम रहीम का जेल से बाहर निकलना कई तरह से राजनीतिक मायने भी इसके निकाले जाने लगे हैं। लेकिन फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काफिले की, जिस काफिले में राम रहीम को लेकर पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम के लिए रवाना हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला जिसमें पुलिस की गाड़ियां भी हैं और इनमें से एक गाड़ी में राम रहीम को बिठाया गया है। उनके परिवार के लोग, राम रहीम की बेटी, दामाद व परिवारिक अन्य सदस्य रोहतक की सुनारिया जेल पहुँचे थे और लगभग 3:00 से लेकर 3:20 के बीच राम रहीम को जेल से बाहर निकाला गया है और यहाँ से सीधे रोहतक गुरुग्राम उन्हें लेकर जाया जाएगा और गुरुग्राम में ही वो 21 के 21 दिन उन्हें बिताने होंगे। इसी शर्त पर उन्हें जो फरलो है वो दी गई है।
नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और तस्वीरें आपको सीधी रोहतक की सुनारिया जेल के बाहर से दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये वो काफिला है जिसमें कड़ी सुरक्षा के साथ डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जेल से निकाला गया है। और आपको बता दें कि शर्तों के तहत गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो छुट्टी मिली है रोहतक की सुनारिया जेल से। और ये वो काफिला है जिसके जरिए राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम ले जाया जा रहा है। जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार राम रहीम को 21 के 21 दिन की अपनी छुट्टी अपने गुरुग्राम स्थित जो फार्म हाउस है वहीं पर बितानी होगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से निकाला गया है। सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। चुनावी माहौल बनते ही 5 राज्यों में चुनाव है और हरियाणा पंजाब की अगर बात करें तो हरियाणा और पंजाब में राम रहीम का एक अपना ही हम कह सकते हैं कि वर्चस्व रहा है। काफी संख्या में उनके अनुयायी हरियाणा और पंजाब में है और अब जब पंजाब के चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गए हैं ऐसे में राम रहीम का जेल से बाहर निकलना कई तरह से राजनीतिक मायने भी इसके निकाले जाने लगे हैं। लेकिन फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काफिले की, जिस काफिले में राम रहीम को लेकर पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम के लिए रवाना हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला जिसमें पुलिस की गाड़ियां भी हैं और इनमें से एक गाड़ी में राम रहीम को बिठाया गया है। उनके परिवार के लोग, राम रहीम की बेटी, दामाद व परिवारिक अन्य सदस्य रोहतक की सुनारिया जेल पहुँचे थे और लगभग 3:20 के बीच राम रहीम को जेल से बाहर निकाला गया है और यहाँ से सीधे गुरुग्राम उन्हें लेकर जाया जाएगा और गुरुग्राम में ही वो 21 के 21 दिन उन्हें बिताने होंगे। इसी शर्त पर उन्हें जो फरलो है वो दी गई है। नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और तस्वीरें आपको सीधी रोहतक की सुनारिया जेल के बाहर से दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये वो काफिला है जिसमें कड़ी सुरक्षा के साथ डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जेल से निकाला गया है। और आपको बता दें कि शर्तों के तहत गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो छुट्टी मिली है रोहतक की सुनारिया जेल से। और ये वो काफिला है जिसके जरिए राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम ले जाया जा रहा है। जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार राम रहीम को 21 के 21 दिन की अपनी छुट्टी अपने गुरुग्राम स्थित जो फार्म हाउस है वहीं पर बितानी होगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से निकाला गया है। सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। चुनावी माहौल बनते ही 5 राज्यों में चुनाव है और हरियाणा पंजाब की अगर बात करें तो हरियाणा और पंजाब में राम रहीम का एक अपना ही हम कह सकते हैं कि वर्चस्व रहा है। काफी संख्या में उनके अनुयायी हरियाणा और पंजाब में है और अब जब पंजाब के चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गए हैं ऐसे में राम रहीम का जेल से बाहर निकलना कई तरह से राजनीतिक मायने भी इसके निकाले जाने लगे हैं। लेकिन फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काफिले की, जिस काफिले में राम रहीम को लेकर पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम के लिए रवाना हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला जिसमें पुलिस की गाड़ियां भी हैं और इनमें से एक गाड़ी में राम रहीम को बिठाया गया है। उनके परिवार के लोग, राम रहीम की बेटी, दामाद व परिवारिक अन्य सदस्य रोहतक की सुनारिया जेल पहुँचे थे और लगभग 3:20 के बीच राम रहीम को जेल से बाहर निकाला गया है और यहाँ से सीधे गुरुग्राम उन्हें लेकर जाया जाएगा और गुरुग्राम में ही वो 21 के 21 दिन उन्हें बिताने होंगे। इसी शर्त पर उन्हें जो फरलो है वो दी गई है। Okay.
नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और तस्वीरें आपको सीधी रोहतक की सुनारिया जेल के बाहर से दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये वो काफिला है जिसमें कड़ी सुरक्षा के साथ डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जेल से निकाला गया है। और आपको बता दें कि शर्तों के तहत गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो छुट्टी मिली है रोहतक की सुनारिया जेल से। और ये वो काफिला है जिसके जरिए राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम ले जाया जा रहा है। जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार राम रहीम को 21 के 21 दिन की अपनी छुट्टी अपने गुरुग्राम स्थित जो फार्म हाउस है वहीं पर बितानी होगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से निकाला गया है। सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। चुनावी माहौल बनते ही 5 राज्यों में चुनाव है और हरियाणा पंजाब की अगर बात करें तो हरियाणा और पंजाब में राम रहीम का एक अपना ही हम कह सकते हैं कि वर्चस्व रहा है। काफी संख्या में उनके अनुयायी हरियाणा और पंजाब में है। और अब जब पंजाब के चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गए हैं ऐसे में राम रहीम का जेल से बाहर निकलना कहीं तरह से राजनीतिक मायने भी इसके निकाले जाने लगे हैं। लेकिन फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काफिले की, जिस काफिले में राम रहीम को लेकर पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम के लिए रवाना हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला जिसमें पुलिस की गाड़ियां भी हैं और इनमें से एक गाड़ी में राम रहीम को बिठाया गया है। उनके परिवार के लोग, राम रहीम की बेटी, दामाद व पारिवारिक अन्य सदस्य रोहतक की सुनारिया जेल पहुँचे थे और लगभग 3:20 के बीच राम रहीम को जेल से बाहर निकाला गया है और यहाँ से सीधे गुरुग्राम उन्हें लेकर जाया जाएगा। और गुरुग्राम में ही वो 21 के 21 दिन उन्हें बिताने होंगे। इसी शर्त पर उन्हें जो फरलो है वो दी गई है। नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और तस्वीरें आपको सीधी रोहतक की सुनारिया जेल के बाहर से दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये वो काफिला है जिसमें कड़ी सुरक्षा के साथ डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जेल से निकाला गया है। और आपको बता दें कि शर्तों के तहत गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो छुट्टी मिली है रोहतक की सुनारिया जेल से। और ये वो काफिला है जिसके जरिए राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम ले जाया जा रहा है। जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार राम रहीम को 21 के 21 दिन की अपनी छुट्टी अपने गुरुग्राम स्थित जो फार्म हाउस है वहीं पर बितानी होगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से निकाला गया है। सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। चुनावी माहौल बनते ही 5 राज्यों में चुनाव है और हरियाणा पंजाब की अगर बात करें तो हरियाणा और पंजाब में राम रहीम का एक अपना ही हम कह सकते हैं कि वर्चस्व रहा है। काफी संख्या में उनके अनुयायी हरियाणा और पंजाब में है। और अब जब पंजाब के चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गए हैं ऐसे में राम रहीम का जेल से बाहर निकलना कहीं तरह से राजनीतिक मायने भी इसके निकाले जाने लगे हैं। लेकिन फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काफिले की, जिस काफिले में राम रहीम को लेकर पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम के लिए रवाना हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला जिसमें पुलिस की गाड़ियां भी हैं और इनमें से एक गाड़ी में राम रहीम को बिठाया गया है। उनके परिवार के लोग, राम रहीम की बेटी, दामाद व पारिवारिक अन्य सदस्य रोहतक की सुनारिया जेल पहुँचे थे और लगभग 3:20 के बीच राम रहीम को जेल से बाहर निकाला गया है। और यहाँ से सीधे गुरुग्राम उन्हें लेकर जाया जाएगा और गुरुग्राम में ही वो 21 के 21 दिन उन्हें बिताने होंगे। इसी शर्त पर उन्हें जो फरलो है वो दी गई है। Okay.
नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और तस्वीरें आपको सीधी रोहतक की सुनारिया जेल के बाहर से दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये वो काफिला है जिसमें कड़ी सुरक्षा के साथ डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जेल से निकाला गया है। और आपको बता दें कि शर्तों के तहत गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो छुट्टी मिली है रोहतक की सुनारिया जेल से। और ये वो काफिला है जिसके जरिए राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम ले जाया जा रहा है। जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार राम रहीम को 21 के 21 दिन की अपनी छुट्टी अपने गुरुग्राम स्थित जो फार्म हाउस है वहीं पर बितानी होगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से निकाला गया है। सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। चुनावी माहौल बनते ही 5 राज्यों में चुनाव है और हरियाणा पंजाब की अगर बात करें तो हरियाणा और पंजाब में राम रहीम का एक अपना ही हम कह सकते हैं कि वर्चस्व रहा है। काफ़ी संख्या में उनके अनुयायी हरियाणा और पंजाब में हैं। और अब जब पंजाब के चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गए हैं ऐसे में राम रहीम का जेल से बाहर निकलना कहीं तरह से राजनीतिक मायने भी इसके निकाले जाने लगे हैं। लेकिन फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काफिले की, जिस काफिले में राम रहीम को लेकर पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम के लिए रवाना हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला जिसमें पुलिस की गाड़ियां भी हैं और इनमें से एक गाड़ी में राम रहीम को बिठाया गया है। उनके परिवार के लोग, राम रहीम की बेटी, दामाद व परिवारिक अन्य सदस्य रोहतक की सुनारिया जेल पहुँचे थे और लगभग 3 बजे से लेकर 3:20 के बीच राम रहीम को जेल से बाहर निकाला गया है और यहां से सीधे रोहतक गुरुग्राम उन्हें लेकर जाया जाएगा। और गुरुग्राम में ही वो 21 के 21 दिन उन्हें बिताने होंगे। इसी शर्त पर उन्हें जो फरलो है वो दी गई है। नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और तस्वीरें आपको सीधी रोहतक की सुनारिया जेल के बाहर से दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये वो काफिला है जिसमें कड़ी सुरक्षा के साथ डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जेल से निकाला गया है। और आपको बता दें कि शर्तों के तहत गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो छुट्टी मिली है रोहतक की सुनारिया जेल से। और ये वो काफिला है जिसके जरिए राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम ले जाया जा रहा है। जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार राम रहीम को 21 के 21 दिन की अपनी छुट्टी अपने गुरुग्राम स्थित जो फार्म हाउस है वहीं पर बितानी होगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से निकाला गया है। सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। चुनावी माहौल बनते ही 5 राज्यों में चुनाव है और हरियाणा पंजाब की अगर बात करें तो हरियाणा और पंजाब में राम रहीम का एक अपना ही हम कह सकते हैं कि वर्चस्व रहा है। काफ़ी संख्या में उनके अनुयायी हरियाणा और पंजाब में हैं। और अब जब पंजाब के चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गए हैं ऐसे में राम रहीम का जेल से बाहर निकलना कहीं तरह से राजनीतिक मायने भी इसके निकाले जाने लगे हैं। लेकिन फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काफिले की, जिस काफिले में राम रहीम को लेकर पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम के लिए रवाना हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला जिसमें पुलिस की गाड़ियां भी हैं और इनमें से एक गाड़ी में राम रहीम को बिठाया गया है। उनके परिवार के लोग, राम रहीम की बेटी, दामाद व परिवारिक अन्य सदस्य रोहतक की सुनारिया जेल पहुँचे थे और लगभग 3 बजे से लेकर 3:20 के बीच राम रहीम को जेल से बाहर निकाला गया है और यहां से सीधे रोहतक गुरुग्राम उन्हें लेकर जाया जाएगा। और गुरुग्राम में ही वो 21 के 21 दिन उन्हें बिताने होंगे। इसी शर्त पर उन्हें जो फरलो है वो दी गई है।
नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और तस्वीरें आपको सीधी रोहतक की सुनारिया जेल के बाहर से दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये वो काफिला है जिसमें कड़ी सुरक्षा के साथ डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जेल से निकाला गया है। और आपको बता दें कि शर्तों के तहत गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो छुट्टी मिली है रोहतक की सुनारिया जेल से। और ये वो काफिला है जिसके जरिए राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम ले जाया जा रहा है। जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार राम रहीम को 21 के 21 दिन की अपनी छुट्टी अपने गुरुग्राम स्थित जो फार्म हाउस है वहीं पर बितानी होगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से निकाला गया है। सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। चुनावी माहौल बनते ही 5 राज्यों में चुनाव है और हरियाणा पंजाब की अगर बात करें तो हरियाणा और पंजाब में राम रहीम का एक अपना ही हम कह सकते हैं कि वर्चस्व रहा है। काफी संख्या में उनके अनुयायी हरियाणा और पंजाब में हैं। और अब जब पंजाब के चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गए हैं ऐसे में राम रहीम का जेल से बाहर निकलना कई तरह से राजनीतिक मायने भी इसके निकाले जाने लगे हैं। लेकिन फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काफिले की, जिस काफिले में राम रहीम को लेकर पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम के लिए रवाना हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला जिसमें पुलिस की गाड़ियां भी हैं और इनमें से एक गाड़ी में राम रहीम को बिठाया गया है। उनके परिवार के लोग, राम रहीम की बेटी, दामाद व परिवारिक अन्य सदस्य रोहतक की सुनारिया जेल पहुँचे थे और लगभग 3:20 के बीच राम रहीम को जेल से बाहर निकाला गया है और यहाँ से सीधे गुरुग्राम उन्हें लेकर जाया जाएगा। और गुरुग्राम में ही वो 21 के 21 दिन उन्हें बिताने होंगे, इसी शर्त पर उन्हें जो फरलो है वो दी गई है। नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और तस्वीरें आपको सीधी रोहतक की सुनारिया जेल के बाहर से दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये वो काफिला है जिसमें कड़ी सुरक्षा के साथ डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जेल से निकाला गया है। और आपको बता दें कि शर्त